अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको जो उस दिन हमने पिछली क्लास में फ्रॉक की कटिंग की थी, आज मैं उसको उसका गला और उसकी स्टिचिंग आपको बताऊंगी। ये देखें, मैंने इसकी गले की चौड़ाई जो है वो 5 इंच रखनी है, तो ये इसको मैं 2.5 इंच रखूंगी इस तरह से। और 11 मैंने इसको 3.25 इंच रखना है। ये देखें, तो हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है कि इस तरह से हमने सीधा यूं निशान लगा लेना है। आप किसी स्केल की मदद से बेशक लगा लें इस तरह से। और यहाँ से हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। यहाँ से ये चीज़ हमारी 1.25 इंच की, यहाँ से लेकर ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच की शेप गोलाई है हमारी। गोल गले की कटिंग जो होती है तकरीबन ऐसे ही होती है, चकोर यूं निशान लगाते हुए यहाँ से कर्व देते हुए गोलाई में देते हैं। ये मैंने गला थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जैकेट तैयार करनी है, तो इसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा गला यहाँ से खुला चाहिए। ये इसकी बैक साइड है, इसकी गले की गहराई तकरीबन मैंने 1.5 इंच रखी है, 2.25 है, तो ये ठीक है। मैंने वो जो नाना इसके ऊपर जैकेट बनानी है, तो मुझे गला थोड़ा बड़ा ही चाहिए। अब मैं आपको मगजी की कटिंग का तरीका बताऊंगी। जो हमें मगजी लगानी होती है, ये बिल्कुल इस तरह से कपड़ा लेते हुए जिस तरह हम रुमाल की तैयार लगाते हैं बिल्कुल ट्रायंगल की, इस तरह से हम मगजी की कटिंग करते हैं। यहाँ से 1-1 इंच तो चलें इसकी अब सिलाई शुरू करते हैं। ये देखें नाज़िम, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बगैर सिलाई लगाने से आपको चुनर डालने का तरीका बताऊंगी, वो ये है। हमने इसी सिलाई एक ही सिलाई में ये चुनर आ जाएगी। थोड़ी ये बखिया थोड़ा बड़ा कर लें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त चुनट एक ही सिलाई में आ रही है। ये देखें, अब मैं इसी तरह इसकी बैक की चुनर डाल लूँगी। ये फ्रंट की मेरी घेरी है। लाजमी कि मेरी बैक साइड है, बैक साइड की जो मैं पट्टी है थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, बच्चे को पहनने में बहुत इजी रहती है। ये देखें कि मैं पहले से चुनर डालने से पहले इसके ये कट लगा लूँगी, तकरीबन ये 2 इंच का कट है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से चुनर डालनी शुरू करूँगी। ये देखें, अब मैं हमारी ये फ्रंट की पेटी है जो मैंने चुनर डाली थी, अब इसके साथ अटैच कर लूँगी। देखना है कि ये चुनर जो हमने बनाई है वो पूरी है, बिल्कुल पूरी है।
अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ी इसकी सिलाई बड़ी हो उसको खींच के हम बराबर कर सकते हैं। अब ये देखें जो मैंने दो जगह पे चुनर डाली थी, अब मैं इसकी ये बैक साइड है हमारी, ये मैं इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। अब मैं आपको इसकी जो बैक की पट्टी है बटन टेक वो बनाने का तरीका बताऊँगी। जब हमने ये कटिंग करनी होती है, ये देखें ये लेफ्ट साइड जो होती है इसको हमने आधा इंच छोटा और ये जो राइट साइड है इसको आधा इंच बड़ा कटिंग करना होता है इस तरह से, यानी कि हम इसको छोटा रखेंगे इसको बड़ा रखेंगे। और ये इसी तरह से ये पट्टी है हमारी, अगर हमने इसको एक इंच रखा है तो इसको हम दो इंच रखेंगे, एक साइड एक इंच दूसरी साइड दो इंच, दो इंच वो साइड होगी जिसको हमने पहले छोटा रखा है और एक इंच वो साइड होगी जिसको हमने बड़ा रखा है। इस तरह से ये हमारी लेफ्ट पे लगेगी छोटी साइड बड़ी साइड, और छोटी साइड जो है हमारी साइड पे लगेगी। इस पट्टी से फ़ायदा ये होता है कि बच्चा को पहनने में बहुत इजी होती है, जितनी मर्जी फिटिंग हो बिल्कुल फुल फिटिंग भी आसानी से पहनी जा सकती है। यहाँ पे आप आके किसी पेंसिल के साथ बेशक यूवी का निशान बनाने बारीक सा, जिस तरह से हमने सिलाई लेके आई है इस तरह से आप पेंसिल का निशान यूँ बना लें, ठीक है, बारीक यूवी। इस तरह से आपकी ये नोक जो है ख़राब नहीं होगी। अब हम यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ सिरे तक ये ध्यान रखें एक धागा कटिंग ना हो, वरना ये एंड तक हमने कट लगा लेना है। अब मैं आपको इस्त्री के साथ इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें इस पट्टी को हमने इस तरह सिलाई में प्रेस का जरूर इस्तेमाल किया करें इस तरीका, इससे बहुत नीटनेस आती है और पता चलता है कि हम कितनी सफाई अपने हाथ में लेके आ रहे हैं। ये देखें इसको हमने बिल्कुल यूं फोल्ड कर लेना है बराबर इस तरह से। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखें बिल्कुल यूं
ये देखें, ये जो छोटी साइड है हमने इसको यूं फोल्ड करते हुए, इस तरह से रबर प्रेस कर लिया है। और ये जो बड़ी साइड है वो हम पहले इसको ये आप पहले मशीन के साथ भी फोल्ड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, और इस सिलाई को बढ़ाते हुए मैं इसके ऊपर ये देखें ये हमें बढ़ा के लगानी है। तो नाज़रीन यही पट्टी बच्चों के टी शर्टों में भी बनती है। ये देखें अब यहाँ हम बटन लगा लेंगे, ये चीज़ हमारी बड़ी हुई है और ये बिल्कुल बराबर है। और इस तरह से हम इधर तुरपाई कर लेंगे, बटन लगा लें, तुरपाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बटन से हमारी ये सारा अटैच हो जाना होता है। ये देखें ये जो हमारी छोटी साइड थी उधर मैं ये सिलाई लगा लूँगी ऊपर, बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से ये जो छोटी साइड है ये मैंने इस प्रेस से मोड़ा था, तो बस इसको यूं सिलाई के साथ फोल्ड कर लेंगे। और इसको इसके साथ साथ रखते हुए यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे, इस वाली इस पट्टी पे सिलाई आएगी इधर नहीं। इससे ये होगा कि हमारे थोड़ी यहाँ से नोक हमारी पक्की हो जाएगी। और जो मैंने रेप कटिंग की थी ये देखें, इसका जोड़ जो लगाना होता है इस तरह से लगाते हैं, रेप है हम इस तरह से जोड़ लगाएंगे, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, ऊपर वाले को आगे नीचे वाले को नीचे बढ़ाते हुए हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये देखें मेरी पट्टी बिल्कुल बराबर है। अब ये जो नोक बड़ी हुई थी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब जो ये शोल्डर थे हमारे बैक और फ्रंट, यहाँ मैं शोल्डर से कटिंग कर इसकी सिलाई लगा दूँगी, यहाँ शोल्डर से सिलाई लगा दूँगी। इसको हमें यूँ नीचे फोल्ड कर देना है पट्टी को। ये जो बड़ा हुआ कपड़ा था उसको मैं कटिंग कर दूँगी। अब मैं आपको यहाँ मगजी लगाने का तरीका बताऊँगी। ये हमने बैक साइड से शुरू करनी है और उल्टी साइड से शुरू करनी है, और ये जो मगजी है इसको फोल्ड नहीं करना। ये देखें थोड़ी सी आगे बढ़ा लें यहाँ से,
इसको बहुत ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको खींचना है, बस दरमियाना सा हाथ रखते हुए। और ये जो सिलाई है, जब हम यहाँ मगजी पे आएंगे, इसका रुख जो है बैक पे करेंगे, फ्रंट पे नहीं। ये मैं मगजी लगाने का तरीका आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वही मगजी है। ये चीज़ जो हमने बढ़ाई थी, इसको मैं इस तरह करते हुए यहाँ सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड पे। ये देखिए इस तरह से। ये हमें मगजी लगाने में बहुत आसानी होगी, ये देखिए। और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दोबारा यूं फोल्ड करना इस तरह। इस तरह इसको फोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई जो है हमारी मगजी के ऊपर आएगी। नाज़रीन, आप बिल्कुल वैसे जैसे मैंने गोल गले पे मगजी लगाई है, वैसे मैं कंधों पे मगजी लगा लूँगी। कंधों की मगजी लगाते हुए यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाते हुए, ये देखें जितना मैंने आपको चौड़ाई भी मोड़ने का तरीका बताया था, ये जहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है, इतना इसको यूँ फोल्ड कर लूँगी। और बैक की पट्टी जो मैंने आपके सामने बनाई थी, ये देखें, इसको हमने काज करवा के यहाँ पे बटन लगा लेने हैं। ये जो है हमारी ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, एक बटन हमारा यहाँ पर ज़रूरी है लगे, एक बटन इधर और बाकी तीन बटन ऊपर। तीन लगा लें, चार लगा लें, दो लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे बटन जरूरी है। ठीक है जी, ये देखें नाजी, ये जो मैंने उस वक्त आप पिछली वीडियो में कटिंग की थी, कटिंग आपको बताई थी, मैंने फ्रॉक मुकम्मल कर ली है। अगर आपने ये कोट कलर बनाना देखना हो तो मैंने नीचे इसका लिंक दे दूँगी। ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये देखें, ये मैंने इसकी सारी कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।